तो गाइस फैन ऑफ रेसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस जैसे कि रोमन रीन्स WWE से फिलहाल बाहर चल रहे हैं उनके ल्यूकेमिया बीमारी की वजह से, और आए दिन कोई ना कोई स्टार उनकी बीमारी के ऊपर इंटरव्यू देता रहता है, और हाल ही में सेथ रोलिंस ने भी उनकी बीमारी और रिकवरी के ऊपर कही है बड़ी बात, जो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको इसकी वीडियो में आज की बताने वाला हूँ। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान जब सेथ रोलिंस से रोमन रीन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे उत्तर देते हुए बताया कि उन्हें रोमन रीन्स की याद आती है। तब बिग डॉग के बारे में बोलते हुए सेथ ने कहा, मेरे एक भी दिन रोमन को याद किए बिना नहीं गुजरता, लेकिन रोमन रीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो मानसिक एवं शारीरिक रूप से इस बीमारी का सामना कर लेंगे। इसके अलावा सेथ रोलिंस ने रोमन रीन्स की तबीयत को लेकर भी बात की। उनके अनुसार रोमन रीन्स की लुकी में बीमारी से रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है। वहीं सेथ रोलिंस ने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीने उनके और उनकी टीम द शील्ड के लिए एक रोलर कोस्टर राइड जैसे गुजरे। पिछले महीने रोमन रीन्स बीमारी की वजह से बाहर हो गए और उसी रात शील्ड भी टूट गई। अब देखने वाली बात यह है कि रोमन रीन्स तो अच्छी रिकवरी कर रहे हैं, जो कि हम फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। देखने वाली बात यह है वो कब तक अपना रिटर्न कर लेते हैं। आई होप वो जल्दी अपना रिटर्न कर लेंगे। आज की वीडियो तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।